पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। दो जगह पर एक्सट्रीमली रेनफॉल दर्ज किया गया है, 17 जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल और 63 प्लेस में हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वर्षा जो है बोलांगीर में 215 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसी के साथ जो सीजनल टोटल की बात करें तो वो -7% डिपार्चर रह गया है। जो वैल्यू है वो रेनफॉल की 975.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके साथ चार डिस्ट्रिक्ट बस बचे जो डेफिनेट रेनफॉल के कैटेगरी में बच गए हैं, ज्यादातर जगह पर नॉर्मल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अगर बात करें सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की तो जो कल का जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था वो अभी आज सुबह वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है, जो कि एट प्रेजेंट नॉर्थ वेस्ट बे बंगाल और एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के ऊपर लाई कर रहा है। इसकी जो सर्कुलेशन है वो समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर हाइट तक पहुंची हुई है और जो साउथ वेस्ट रोड की तरफ टिल्ट किया हुआ है ये सिस्टम। अभी ये आगे आने वाले दो दिन में ये उड़ीसा को और छत्तीसगढ़ को क्रॉस होता हुआ आगे बढ़ेगा। दूसरा जो सिस्टम है वो मानसून ट्रफ जो कि जो बीकानेर से होती हुई शिवपुरी सिद्धी जमशेदपुर से होती हुई वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के सेंटर से जाती हुई है, इन दो सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज भी उड़ीसा में जो है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। साउथ उड़ीसा में ज्यादातर जगह पर बारिश होने की संभावना है। आज डे वन में भी स्कैटर्ड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और आइसोलेटेड एक दो स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल जो रेड वार्निंग में संबलपुर, बारगढ़, सोनपुर, बोलांगीर, नुआपाड़ा और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा हैवी टू वेरी हैवी एक दो स्थान पे हो सकते हैं, वहां पे ऑरेंज वार्निंग है नवरंगपुर, कंधमाल, बोध, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, देवगढ़, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा में। जो हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेस में होने की संभावना है, येलो वार्निंग दी गई मयूरभंज, केवंदर, जाजपुर, नयागढ़, रायगढ़ और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। डे टू में ये सिस्टम आगे को बढ़ जाएगा, जो हमारे सिर्फ आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई जिसमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, नुआपाड़ा और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डे थ्री डे फोर कोई वार्निंग नहीं है। उसके 18 तारीख को भी जो हमारे हैवी रेनफॉल के लिए कंधमाल, गंजम, गजपति, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में येलो वार्निंग आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए है। उसके अलावा लाइटनिंग की भी संभावना है, इसलिए इन डिस्ट्रिक्ट के साथ में नयागढ़, खुर्दा, पूरी डिस्ट्रिक्ट में लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म से लाइटनिंग होने की भी संभावना है। गंजम समाचार आपणकर लेटेस्ट खबर पई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु गंजम समाचार रो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पेज को। अधिक तथ्य पई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.gunjamsamacha.com